अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एसएन1 एंड एसएन2 रिएक्शन। इससे पहले वीडियो में, इससे पहले लेक्चर में हम एसएन1 और एसएन2 के सेपरेट क्लासेस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में मेन डिफरेंस होता क्या है। तो अगर हम लिखें यहाँ पर एसएन1 एंड दिस वन इज एसएन2, इसकी पावर में होता है 1, तो इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। यह है यूनि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यहाँ बात करें तो पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन इज फर्स्ट सेकेंड। अब बताएंगे हम, इसके बेसिस पे बताएंगे कि रेट, हम देखते थे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? अल्काइल हलाइड। ये सिर्फ अल्काइल हलाइड पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा दोनों के ऊपर, रेट कॉन्स्टेंट लिखेंगे, अल्काइल हलाइड, आर एक्स का मतलब होता है अल्काइल हलाइड अलॉन्ग विथ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है, यहाँ पावर 1 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, एंड ऑर्डर दोनों के दोनों क्या होंगे? 1। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, वो क्या है? 2। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर 2 कैसे है यहां पर, इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि 1 फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड 1 फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर, पावर का हमने सम कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया हमारा? 2। ओके, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, और क्या हो सकता है हमारा, और क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर? कितने स्टेप में ये रिएक्शन हुई है? जैसे अगर हम इसकी ये बात याद करें तो हमने पढ़ा था ये कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होगी 2 स्टेप, दिस वन इज 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, दिस वन इज सिंगल स्टेप, 1 स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन कहा जाता है इसको। 2 स्टेप रिएक्शन क्यों है इसके अंदर? इसके अंदर दो पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या होता है? कार्बोकैटाइन जनरेशन, और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, यहां पर क्या है? एसएन1 के अंदर एक ही स्टेप में सारी चीजें होंगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और हलाइड लीव करेगा, दोनों एक साथ होगा, इसलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है। नेक्स्ट कम टू फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन का, जब कार्बोकैटाइन हमारे पास होगा, यानी कि प्लस चार्ज हमारे पास है, न्यूक्लियस क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल वीक भी हुआ तो वो इफेक्टिवली वर्क करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो वर्क वेरी इफेक्टिवली। और हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट इसका पॉइंट एसएन2 रिएक्शन के अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए हमारे पास? स्ट्रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको समझिए अच्छे से। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि हमारा एक ही स्टेप में होता है कि हलाइड हटेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर के लिए लिख दूं यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन CH3 C2 H5 एंड X, यहाँ पर एक ही स्टेप में होता है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के बैक से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा बैक से। क्यों नहीं कर सकता यहाँ पर? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी हलाइड और ये भी ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर होने लगता है रिपल्शन, इसलिए बैक से आकर के अटैक करेगा, तो इसको बैक से आके अटैक करना है तो इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन का जनरेशन नहीं हुआ है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल हमारे यहाँ पर जो यूज़ करेंगे एस एन टू रिएक्शन के अंदर वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, यानी कि बात करें तो होगा एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं KOH, और क्या हो सकता है? K
कि सी एन एंड एसीटोन और भी बहुत सारे होते हैं, हम कोई एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, कोई तीन हमने लिख लिया यहाँ पर। यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो वाटर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड। ओके, ये हो गया हमारा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है यानी वो किसके प्रेजेंस में, तो इसको हम लिखेंगे दे आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, किसके अंदर, एसिन वन के अंदर, एंड दिस वन इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये हमने एग्जाम्पल लिखी है न्यूक्लियोफाइल विच इज टू बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं आप इसको, विद सबस्ट्रेट, जहां सबस्ट्रेट लिखा होगा इस चैप्टर में तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, अल्काइल हलाइड, तो वहां आपको ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा था एस एन वन के अंदर, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, दिस वन विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम जीरो डिग्री भी लिख सकते हैं, और ये जीरो डिग्री जो होता है प्री प्राइमरी, यानी कि मैं लिखूं यहाँ सी एच 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 आन हलोजन, दिस वन इज प्री प्राइमरी। और प्राइमरी में क्या होगा, प्री, ये वाला हमारा प्री प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा सी एच थ्री हाइड्रोजन, एंड सपोज कीजिए यहाँ हाइड्रोजन, एंड दिस वन इज हेलोजन, दिस वन इज प्राइमरी, ये प्राइमरी है हमारा। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो समझाने के लिए बताया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप इसको, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या हमारे पास आर एक्स, तो यहां पर क्या होगा हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी, और प्राइमरी से भी पहले आएगा हमारा आर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम एस एन टू की बात कर रहे हैं तो एस एन टू के अंदर क्या होगा हमारा, हमें क्या देखना है यहाँ पर, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, अगर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो अटैक मुश्किल होगा, और हिंड्रेंस कम होगा तो अटैक आसान होगा। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अटैक करना चाह रहा है, तो यहाँ दो ग्रुप हिंडर्ड ग्रुप है, ये सेकेंडरी कार्बन है यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जिस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। अगर हम प्राइमरी ले लें तो यहाँ हिंड्रेंस कम होगी और जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ जो रेट डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एस एन वन के अंदर रेट डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हम बात करें एस एन टू के अंदर तो रेट डिपेंड कर रहा है वन ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पॉइंट को समझिए, हमने कहा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ, लेट सपोज मैं लिखूँ सी एच थ्री सी एच थ्री CH3 X, दूसरा है हमारा CH3 हाइड्रोजन एंड X, और तीसरा ले लीजिए हमारा सपोज कीजिए X CH3 H एंड X। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, टर्चरी
हैलाइड का जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव तीन तरफ से अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने कहा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, रेट इज वन ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के अपोजिट होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास है हाइड्रोजन, और यहाँ पर R ग्रुप कोई, यहाँ R डैश, यहाँ हेलोजन, दूसरा कोई लेती हूँ मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ आसान होगा, यहाँ पर देखिए आप, आपके पास बल्कि ग्रुप है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर हम यहाँ पर अटैक करना चाहें न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये ग्रुप क्या करेंगे, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनका साइज काफी छोटा होता है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी। पर अल्काइल का साइज बड़ा होता है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या कहा, वन ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट। स्टेरिक हिंड्रेंस जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। हम देख रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हमने सेकेंडरी का केस लिया है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ कम होगी। प्राइमरी का अगर हम प्री प्राइमरी वाला केस देखते हैं, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ ज्यादा है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन और किस पे डिपेंड करेगी, विद रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं आप, विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। सपोज कीजिए हम कह रहे हैं हमारे पास R लिख लेती हूँ, आर आई, आर बी आर, आर सी एल एंड आर एफ। अब इनके अंदर साइज में डिफरेंस सबसे ज्यादा, आयोडीन सबसे बड़ा साइज है, फ्लोरीन छोटे साइज का है। जब साइज में डिफरेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वो इजीली से लीव कर देगा। तो आयोडीन जो होता है वो होता है बेस्ट लीविंग ग्रुप, ये अपनी पोजिशन को छोड़ देगा। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा, ये हमने किस में कहा, एस एन वन में। एस एन टू के अंदर भी रेट ऑफ रिएक्शन यही होगा। अगर एस एन टू की बात करें हम, तो आर आई, आर बी आर एंड आर सी एल, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर एफ स्पेस नहीं है, इसमें नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा आर एफ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस वन। दोनों के अंदर सिमिलर है क्योंकि लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली, तो आप लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। हमारे पास लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर उतनी ही अच्छी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, यानी कि नेक्स्ट अगर हम कहें कि हमारे पास इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, कार्बन और चार वैलेंसीज सब अलग अलग हों, तो क्या होगा ये, ऑप्टिकली एक्टिव। दिस कार्बन इज नोन एज काइरल कार्बन, काइरल कार्बन है तो क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, काइरल कार्बन एंड ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। अगर हमारा एस एन वन रिएक्शन है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमारा ये एस एन वन रिएक्शन है, एस एन वन रिएक्शन दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि ये अपनी पोजीशन को, जब कार्बोकेटाइन बनेगा अपनी पोजीशन को लीव किया नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे वाटर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल में भी एक्टिव होता है,
अब OH माइनस आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जो OH माइनस अटैक करेगा उसके पास वो अटैक करेगा CH3 C2 H5 H एंड देन OH। OH जो इसके साथ अटैक किया, आप देखें दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ हेलोजन है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, तो इसको कहा जाता है रिटेंशन, रिटेंशन प्रोडक्ट। यानी कि रिटेंशन प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा वन, यानी कि इसके अंदर जो मिक्सचर होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा, एक रिटेंशन बनेगा और एक इसका मिरर इमेज बनेगा। दूसरा क्या है, यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन है न्यूक्लियोफाइल, अगर इसके ऊपर से अटैक किया तो ये बनेगा, अगर इसके बैक से अटैक किया तो क्या बनेगा, ये फ्रंट अटैक किया, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रंट अटैक, और अगर बैक से अटैक किया देन व्हाट विल हैपन, बैक अटैक। अगर बैक से अटैक किया तो ये पीछे आएगा, यानी कि OH ग्रुप हाइड्रोजन C2 H5 and CH3, तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन। जहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन एक साथ हो उसे बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, और रेसेमिक मिक्सचर कहाँ मिलता है हमको, SN1 के अंदर। ओके, रेसेमिक मिक्सचर हमको SN1 के अंदर मिलेगा। अगर हम SN2 की बात करें, SN2 रिएक्शन के अंदर क्या हुआ होगा, तो SN2 रिएक्शन के अंदर सब कुछ एक ही स्टेप में होता है। यहाँ आपके पास सपोज कीजिए CH3, दिस वन इज C2 H5 एंड हेलोजन। हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम CN ले लेते हैं, लेट सपोज हमने CN ले लिया। अब ये CN क्या करेगा, बैक साइड से जाकर के अटैक करेगा और ये अपनी पोजीशन को लीव करेगा, तो इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, ये बॉन्ड बनाना चाहेगा और ये बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, दिस वन इज CH3 C2 H5। इस स्टेज को इंटरमीडिएट स्टेज भी बोलते हैं और इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। ओके, अब क्या होगा, ये स्टेज क्या है, हाईली अनस्टेबल। अब ये स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, अब इस ग्रुप को निकाल देगा और ये बन गया आपका हाइड्रोजन CN CH3 and C2 H5। तो ये बैक से अटैक आकर की किया, तो यानी कि ये ग्रुप इसके इन्वर्जन पोजीशन पर लग गया, तो यहाँ इन्वर्जन प्रोडक्ट में मिलता है। इन्वर्जन कहाँ मिलेगा हमको प्रोडक्ट में, SN2 के अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर हमको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। रेसमिक मिक्सचर डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि अगर हम देखते हैं ये रिटेंशन है, तो यानी कि अगर हम कहें ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये डिक्स्ट्रो है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, यानी कि ये होगा लीवो और नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज जीरो, मिक्सचर कोई रोटेशन शो नहीं करे, यानी प्लेन पोलराइज लाइट अगर मिक्सचर से पास की जाए तो वहाँ कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आएगा, यहाँ इन्वर्जन है, यहाँ मोशन नजर आएगा, इधर इन अ क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। दिस वन इज ऑल अबाउट फॉर S1 एंड SN2 रिएक्शन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, अगर आपकी इससे हेल्प हुई हो, आपको सेशन पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।